तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके एक्सटेंशन बोर्ड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कूलर, किसी भी मशीन का वायर ख़राब हो गया है और उसे आपको चेक करना है कि इस वायर में प्रॉब्लम है या वायर शॉर्ट हो गई है, तो इसे कैसे चेक करना है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर एक केबल दिखाई दे रही, क्या होता है, जो 3 पिन प्लग इस टाइप का लगा होता है, यहाँ पर क्या है, बार बार मुड़ने की वजह से क्या होता है, केबल यहाँ पर शॉर्ट हो जाती है और हमारा जो इक्विपमेंट है, मशीन है, वॉशिंग मशीन, कूलर या एक्सटेंशन बोर्ड, जो भी जिसमें भी कनेक्ट है ये वायर, वो क्या होता है, वर्क नहीं करती और हमें पता नहीं चल पाता केबल ख़राब है या मशीन में प्रॉब्लम है। तो इस टाइप की केबल को कैसे चेक करना है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो केबल होती है, जो 3 पिन प्लग होता है, उसमें यहाँ पर एक एक जगह एल लिखा होता है। जो एल वाला टर्मिनल होता है वो फेस सप्लाई के लिए होता है, जो कि रेड वाली वायर से कनेक्ट होता है। जिसमें एन लिखा होता है वो ब्लैक वाली वायर से कनेक्ट होता है, जो कि न्यूट्रल सप्लाई के लिए होती है। और यहाँ पर जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है ग्रीन वाले वायर के साथ कनेक्ट होती है, जो कि अर्थिंग के लिए होता है, जैसे मैंने बताया अभी। अब हमें इसे चेक करने के लिए सीरीज टेस्ट लैंप बनाना पड़ेगा। तो सीरीज टेस्ट लैंप बनाने के लिए हमें क्या करना है, बल्ब होल्डर लेना है। देखिए, यहाँ पर जैसे बल्ब होल्डर के कनेक्शन करते हैं, वैसे हमें सेम कनेक्शन करने हैं। और यहाँ पर आप इसे बना के अपने घर पर रख सकते हैं, कभी भी काम आ सकता है, किसी मोटर को, किसी वायर को चेक करने में आसानी से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर इसके प्लग को लगाया, यहाँ पर जो बल्ब हमारा वर्क कर रहा है। अब हमें सीरीज टेस्ट लैंप बनाने के लिए क्या करना होता है, आपको दोनों में से किसी भी एक वायर को बीच में से काटना होता है। तो आप चाहे लाल वाले या पीले वाले तार किसी को काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से बना रखा था, यहाँ पर मैंने जॉइंट कर रखा है आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर पीले वाले तार को काटते हैं, तो इस टाइप से आपको दोनों साइड को छील लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रेड वाले वायर को भी काट सकते थे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस पीले वाले तार को काट रखा है और यहाँ पर हमारा जो सीरीज टेस्ट लैंप बन गया। अब हमें क्या करना है, इस वायर को चेक करना है। जैसे आपको यहाँ पर केबल दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया, अलग अलग इसके टर्मिनल होते हैं, एल और एन और एक ऊपर वाला अर्थिंग वाला टर्मिनल होता है। इसी के साथ 3 वायर भी कनेक्ट होते हैं, तो तीनों वायरों को चेक करना है एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए, मैंने तीनों वायर को थोड़ा अलग कर दिया ताकि यहाँ पर कोई वायर एक दूसरे में टच ना हो। अब यहाँ पर हमें चेक करना है, तो चेक करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों वायरों को इस टाइप से हाथ में पकड़ लेना ताकि करंट ना लगे। और देखिए, मैंने इसके प्लग को लगा दिया। एक बार हम इस बल्ब को चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सीरीज टेस्ट लैंप वर्क कर रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे आपको ये 3 पिन प्लग दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर पहला वाला जो टर्मिनल था, यहाँ पर एन वाला टर्मिनल, किसी भी आप टर्मिनल पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम एन वाले टर्मिनल पे लगाते हैं। तो देखिए, जैसे एक वायर मैं एन पे लगाता हूँ और यहाँ पर दूसरे वाले पे हमें ब्लैक वाले पे चेक करना है। देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने टच किया, यहाँ पर क्या है, बल्ब जल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी आ रही है। इसका मतलब ये कि ब्लैक वाली न्यूट्रल सप्लाई हमारी ठीक है। अब इसके बाद हमें दूसरे वायर को भी टच करके चेक करना है। देखिए, यहाँ पर अर्थिंग पे लगाया, इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। और इसी के साथ हम फेस वाले वायर पर भी लगा के चेक करते हैं। देखिए, लाल वाले वायर पर लगाया, देखिए यहाँ पर भी हमारा बल्ब नहीं जल रहा। इसका मतलब क्या है, जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है वो और किसी वायर के साथ शॉर्ट नहीं है, बस का जो कंटिन्यूटी आ रहा है वो हमारे ब्लैक वाले वायर के साथ ही आ रहा है। इसका मतलब ये ब्लैक वाली वायर ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फेस वाले वायर को भी चेक करना है। देखिए, यहाँ पर एल वायर टर्मिनल पर लगाया और यहाँ पर रेड वाली वायर पर लगाते हैं। देखिए, जैसे मैंने टच किया, यहाँ पर जो बल्ब हमारा जल रहा है, इसका मतलब क्या है, फेस सप्लाई ठीक है। अब हमें और वायर के साथ चेक करना है। देखिए, ग्रीन पर लगाते हैं, यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, बल्ब नहीं जल रहा है। और ब्लैक वाले वायर के साथ चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर भी बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब क्या है, जो फेस वाला जो वायर है वो किसी और वायर के साथ शॉर्ट नहीं है। तो इस टाइप से हमें तीनों वायरों को चेक करना है। देखिए, यहाँ पर दोनों वायर हमारे ठीक है, ब्लैक और जो रेड वाली थी। अब यहाँ पर हम अर्थिंग वाले वायर को भी चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने टच किया ऊपर वायर टर्मिनल पे और अर्थिंग वाले वायर पर हमारा बल्ब जल रहा था, बट जब हम किसी और वायर पर लगा के चेक करते हैं कि ब्लैक के साथ यहाँ पर बल्ब नहीं जल रहा है और यहाँ पर रेड वाले वायर के साथ भी बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो अर्थिंग वाली वायर है यहाँ पर ठीक है और किसी वायर के साथ शॉर्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस टाइप से तीनों वायर को एक एक करके तीनों पॉइंट पे चेक करना है। और जब भी आप चेक करते हैं, आपको ये देखना है कि हर एक टर्मिनल के साथ एक ही वायर के साथ बल्ब जलना चाहिए और किसी वायर के साथ बल्ब जलता है, इसका मतलब क्या है, वायर शॉर्ट है। तो इस टाइप से आप अपने इस टाइप के केबल को चेक कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी चेक करने प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।